अभी आपने इंडिया में ही अगर हम लोग कहीं काम करते हैं, अगर फोरक्लिफ्ट का ही एक रूम में 20 तो घुसा देते हैं लोग, ठीक है, जैसे लगता है आदमी को तबेला नहीं होता है, उसी में भर दिए ला के आदमी को। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि 3 टन फोरक्लिफ्ट अगर आप इंडिया के अंदर चलाते हो तो आपका सैलरी कितना मिलता है, यानी तनख्वाह कितना मिलता है। दोस्तों, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय नेहले दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बैठ जाऊँ। दोस्तों देखिए, अगर आप इंडिया के अंदर ये फोरक्लिफ्ट चलाते हो या चलाना चाहते हो या सीख कर चलाना चाहते हो, तो अगर हम बात करें 3 टन फोरक्लिफ्ट का, तो इंडिया में आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलता है। यानी इतना हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा कि आपका यानी कि खर्च जो होता है ना घर का, एक परिवार में ना आप चला सकते हैं। एक जगह कमा के कुछ पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा, कुछ सेव करेंगे, तभी तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर भी बना सकते हैं। या अगर शादीशुदा है तो, अगर शादीशुदा नहीं है तो खुद अपना शादी भी कर सकते हैं। या अक्सर देखा जाता है कि जो हम लोग, हम भी भाई मिडिल क्लास की हैं, गरीब आदमी हैं, ठीक है ना, तो अक्सर देखा जाता है कि हम लोग को जो है कि पीछे बैकग्राउंड जो हमारा होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। बहन भी होती है शादी करने के लिए, या तो भाई होता है शादी करने के लिए, या तो भाई या बहन होता है पढ़ाने के लिए, तो हम लोग ज़्यादा उसी में जूझ जाते हैं। अपना यानी कि शौक वगैरह जो भी होता है उसको हम तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। उसमें हम बहन का, भाई का, माँ का, बाप का, ये सब शौक वगैरह जो भी होगा पूरा करेंगे और देखभाल करेंगे, ठीक है। तो एक घर का गुजारा हो सकता है इंडिया में कमा के, इस फोरक्लिफ्ट को चला के, इसलिए कि फोरक्लिफ्ट का जो सैलरी मिलता है इंडिया के अंदर, दोस्तों हमारे बातों से नाराज मत होइएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया में लोग कमा के कुछ नहीं बना पा रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप तो जानते हो, कहीं भी आप काम करने जाओगे तो जो वहाँ का मालिक होता है वो सोचता है यार कि मैं इसको कम ही पैसे दूँ, थोड़ा मैं अपना ज़्यादा बचाऊँ। सब लोग इसी चक्कर में लगे हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आप सभी को कि एक परिवार चल सकता है, लेकिन अगर आप चाहो कि मैं कमा के इस फोरक्लिफ्ट से और ज़्यादा यानी कि बहुत आगे चला जाऊँ, तो जाना मुश्किल है। इसके लिए आपको परदेश ही पकड़ना पड़ेगा, यानी गल्फ कंट्री, कहीं पे सऊदी अरब हो गया या अदर कंट्री कोई भी है, जो भी है, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे इतना सैलरी आपको मिलता है कि एक परिवार आप चला सकते हैं। सैलरी की हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप सीख के एक अच्छे फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर हैं, अगर आप जाते हैं कहीं पर काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपका सैलरी क्या लगता है? या तो 15 से 16 हज़ार, या खूब मिलेगा तो 18 हज़ार, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक आपको बता दूँ कि जो बेसिक होता है ना, जो मैं देखा हूँ, जो मेरे साथ गुजरा है, ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत जगह आदमी देखा है और गया है, लेकिन वहाँ पे सैलरी क्या मिलता है? कहीं 12 हज़ार, कहीं 14 हज़ार, यही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर हम सोचें कि हमको 25 हज़ार, 30 हज़ार, 45 हज़ार मिलेगा, तो नहीं मिलता है भाई, ठीक है ना। तो इसीलिए कि भाई देख नहीं रहे आप, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो जो ड्राइवर हैं वो ड्राइविंग सीख रहे हैं, जो लड़के हैं ड्राइविंग सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख के गिट्टी बालू का ट्रक चला रहे हैं, उन पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इनकम हो रहा है उनका, ठीक है ना। तो और जो फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर हैं, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या और भी फिलिपिनी या जो भी कंट्री है, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं सऊदी अरब के अंदर और दुबई के अंदर, और भी अदर कंट्री जो है, मस्कट वगैरह जो भी, बहरीन से जो भी लगता है, वहाँ पर लोग जाते हैं कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई पैसा आपको ज़्यादा मिलता है। आप मान लीजिए 1700-1800 पे आ रहे हो, यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी क्या मिलता है सऊदी अरब में? 1600 से स्टार्ट है, आपको 1800 से 2000 तक मिलेगा, ठीक है ना। कुछ दिन आप काम करेंगे, यानी 8 साल 10 साल काम करेंगे, तो आपका 2800 से 3000 तक मिलेगा। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका सैलरी जो है कि तरक्की आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मुझे खुद यहाँ पे भाई 9 साल होने वाला है, मेरे हिसाब से 9 साल होने वाला है मुझे यहाँ पे। 2015 में आया था ना स्टार्टिंग में, 2015 स्टार्टिंग में मैं आया था, मेरा अभी 9 साल होने वाला है। इस पूरा साल ख़त्म हो जाएगा तो शायद मुझे लग रहा कि 9 साल नहीं हो जाएगा मुझे आएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं कभी भी चाहता हूँ कि भाई अगर आप इंडिया में अगर चलाना चाहते हो, अगर आप सऊदी अरब नहीं आना चाहते हो, चलाओ इंडिया में, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपना घर परिवार, अपना पेट चला सकते हैं उससे। यानी अगर हम सोचे कि हम 15-20 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये, या चलो मान के चलते हैं 10 हज़ार रुपये ही मैं एक जगह सेव करूं, तो ये आप भूल जाइएगा, ये सेव नहीं कर सकता है आदमी। हाँ, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपके आगे और पीछे कोई नहीं है, आप तनहा हैं, केवल आपका तनहा शरीर है। तो आप कमा के
फोरक्लिप्स से ही, ठीक है ना, कहीं पे चला के फोरक्लिप और आप अपना पेट चला भर सकते हैं उससे, उस कमाई से, और प्लस आप जो है कि महीने में 10,000-12,000 अपना जो है कि बैंक में सेव कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस जो है मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर ये सीखें तो आप सीधा बाहरी कंट्री पकड़ें, इसलिए कि आप बाहर जब आते हैं सऊदी अरब में तो अच्छा जो है कि आपको इनकम मिलता है, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज भी होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने इंडिया में ही अगर हम लोग कहीं काम करते हैं, अगर फोरक्लिप्ट का ही एक रूम में 20 तो घुसा देते हैं लोग, ठीक है, इससे लगता है आदमी को तबेला नहीं होता है, उसी में भर दिए ला के आदमी को, तो आदमी किस तरह जीता है, किस तरह रहता है, आप खुद समझ सकते हैं। आप लोग अगर बाहर प्रदेश कमा रहे हैं, ठीक है ना, दिल्ली मुंबई या कहीं भी पुणे वगैरह फोरक्लिप्ट में, तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैं बात सही बोल रहा हूँ या गलत। इसीलिए मैं दोस्तों बार बार आप सभी को बोलता हूँ कि आप लोग परदेश आइए, क्यों, क्योंकि सऊदी अरब में या दुबई में या कुवैत में या बहरीन में, जहाँ भी जो भी गल्फ कंट्री है या यूरोप कंट्री है, यूरोप कंट्री तक तो हम नहीं जाएंगे इसलिए कि वहाँ की फैसिलिटीज़ की बात ही अलग है भाई, ठीक है, वहाँ पे इंसानों को इंसान समझा जाता है, ठीक, कहीं भी आप सर्च कर लो ये मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ जैसे कि सऊदी अरब हो गया, गल्फ कंट्री में, तो दोस्तों मैं बता दूँ आप सभी को कि यहाँ पे एक फैसिलिटी मिलता है, आपका एक रूम होता है, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे जो है कि आपका रूम अकेला रूम है आपका, नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या होता है ना कि एक रूम के अंदर शेयर रूम होता है, वो तो एक रूम के अंदर 4 आदमी से 3 आदमी, जैसे कि हमारा भी रूम है तो उसमें हम 3 आदमी हैं, ठीक है, 10x10 का रूम है, उसमें हम 10x11 का ऐसा कुछ रूम है, तो उसमें हम लोग 3 आदमी रहते हैं। पहले हम लोग 4 आदमी थे, लेकिन कोरोना में बंदा गया तो नहीं आ पाया, कोरोना के टाइम गया तो नहीं आ पाया, तो भी हम लोग फिलहाल में 3 आदमी ही हैं, उस पर कोई हमारे और कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं है। शेयर रूम होता है 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी का रूम होता है, कहीं कहीं पे बड़ा रूम होता है तो उसमें क्या होता है कि जब बेड लगता है जो साइड से, तो मान लीजिए यहाँ से लंबा है 15 फुट लंबा है, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि चरपाई कितना लग सकता है, बताने की जरूरत तो है नहीं, या ऐसे चरपाई कितना लग सकता है, तो वो जो हाँ बड़ा रूम होता है वहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नेट का या रहने का खाने पीने का एक सहूलियत होता है, और उसी सहूलियत को आदमी लेके अपना फैशन बना लेता है, ठीक है, और आपको हर एक चीज़ मिलेगा, नेट भी सही से मिलेगा, पैसे भी सही से मिलेगा, आप घर पे खर्चा भी कर सकते हो, अपने ऊपर भी खर्चा कर सकते हो, जो चाहे वो ले सकते हो, और प्लस एक्स्ट्रा पैसा भी अपना कहीं पे सेव कर सकते हो, या अपने अकाउंट में, या अपने जो आपके जो गार्जियन हैं उनके अकाउंट में आप पैसे को सेव कर सकते हो और कुछ बन सकते हो। आप देख लो जितने भी सऊदी लोग रहते हैं, जितने भी लोग सऊदी रहते हैं, उनके घर का रहन ढहन देखिए, उनके बच्चों का स्टाइल देखिए, खुद उनका आते हैं जब घर पे तो उनका स्टाइल देखिए, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर सीखते हैं तो आप सबसे ज़्यादा इधर आए काम करें, ठीक है ना, इंडिया में भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में आप काम करेंगे तो वही आप बताया हो ना, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, यही मिलता है सैलरी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए कि बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट कर रहे थे कि मिराज भाई बताइए कि क्या सैलरी मिलता है इंडिया के अंदर, तो भाई इंडिया में आप काम कर सकते हो लेकिन जल्दी यानी आगे नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप गल्फ में काम करते हो यही काम सीख करके, इसी काम को गल्फ में आके, तो आपको अच्छा हर एक चीज़ मिलेगा, आपको पैसे से लेके सब कुछ हर एक चीज़ अच्छा मिलेगा, और आप अच्छा आगे कर सकते हो, बहुत जल्दी अपना जो है कि एक मुकाम बना सकते हो। दोस्तों अगर ये बातें जिन भी भाई को हमारे जो है कि गलत लगा होगा या बुरा लगा होगा, दिल को ठेस पहुँचा होगा, दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ मैं। कोई भी अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हो तो दोस्तों दिल से माफ़ी मांगता हूं, और आप लोग भी दिल से मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो हर बार की तरह इस बार भी बोलूँगा दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक और बात मैं बोलूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का एक निशान दिखेगा घंटी का, उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर दिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ इसके रिलेटिव तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।